इस तरीके से आप एक साइकिल में फंस जाते हैं और आप सेम तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूनिवर्स में भेजते हैं और यूनिवर्स आपको सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा, और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने लाइफ में वो चीज़ों को आकर्षित नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं, बल्कि वो चीज़ें आकर्षित करते हैं जो आप हैं, जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? और अगर आपको ये पता करना है कि आप किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को देखिए। ये सब आपकी वाइब्रेशंस का ही रिजल्ट है। आप जिस भी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं उस फ्रिक्वेंसी ने, उस वाइब्रेशन ने इन सब चीज़ों को आपकी लाइफ में आकर्षित किया है। तो फिर क्यों ना आप 100 तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी वाइब्रेशन चेंज नहीं करते हैं तो आप सेम तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूनिवर्स में भेज रहे हैं और यूनिवर्स फिर आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? तो समझिए, आप सुबह उठते हैं, सेम तरीके से आप अपने मोबाइल को उठाते हैं, उसका अलार्म बंद करते हैं, एंड देन आप सेम तरीके से हर दिन की तरह अपने वॉशरूम में जाके ब्रश करते हैं, एंड देन आप सेम तरीके से चाय बनाते हैं, सेम तरीके से चाय पीते हैं, एंड देन आप तैयार होकर सेम तरीके से अपने ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, एंड आप सेम तरीके से सेम इन्वायरमेंट में सेम तरीके के लोगों से मिलते हैं जो आपके सेम इमोशनल ट्रिगर्स को बार बार पुश करते हैं, और जब वो सेम इमोशनल ट्रिगर्स को बार बार पुश करते हैं तो आपके माइंड में सेम न्यूरॉन्स फायर होते हैं, और जब आपके माइंड में सेम न्यूरॉन्स फायर होते हैं तो आपको सेम तरह के थॉट्स आते हैं, जब आपको सेम तरह के थॉट्स आते हैं तो आपको फिर से सेम तरह के इमोशंस फील होते हैं, एंड देन आप फिर से सेम तरह के न्यूरॉन्स फायर करते हैं, एंड देन वो न्यूरॉन्स सेम तरह की फीलिंग क्रिएट करते हैं, एंड दैट फीलिंग सेम तरह के थॉट क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से आप एक साइकिल में फंस जाते हैं और आप सेम तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूनिवर्स में भेजते हैं और यूनिवर्स आपको सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो हो सकता है आप 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बचे हुए 95% ऑफ टाइम एक पुरानी पर्सनालिटी में जी रहे होते हैं तो आपको सेम रियलिटी ही मिलती है और आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेहतर तरीके से यूज़ करना है तो आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बनना पड़ेगा, आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट रियलिटी को जीना होगा, आपको जिन लोगों से आप मिलते हैं उन लोगों की क्वालिटी को चेंज करना होगा, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आपको उस एनवायरनमेंट की क्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, आप जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अपनी माइंड के अंदर फीड करते हैं ऑन अ डेली बेसिस आपको उसकी क्वालिटी को चेंज करना होगा, आप जिस तरह की हैबिट से जीते हैं डेली आपको अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। यू कम्प्लीटली हैव टू चेंज, यू कम्प्लीटली हैव टू लीव योर फ्यूचर इमोशंस इन द प्रेजेंट मोमेंट, and then only the universe will respond accordingly. That's why it is said you attract what you are and you don't attract what you want. सोचिए इस चीज़ के ऊपर एंड पूछिए अपने आप से कि आप किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और आप क्या सिग्नल्स यूनिवर्स को भेज रहे हैं, एंड आप किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना चाहते हैं और आप क्या सिग्नल यूनिवर्स को भेजना चाहते हैं। Remember, you have to leave your future emotions and you have to leave your future reality right now, at least in your imagination. And then universe will make it true. I am Pratyush. Be conscious.